तो आज की सुपर बैटल होने वाली है हल्क वर्सेस हल्क के बीच। बस फर्क इतना है कि एक हल्क प्लैनेट अर्थ 616 से बिलोंग करता है और दूसरा हल्क प्लैनेट अर्थ 12091 से बिलोंग करता है। तो स्वागत है दोस्तों आपका और एक डिटेल वीडियो में, और आज हम वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और स्पेस पनिशर हल्क के बीच करने वाले हैं एक सुपर बैटल। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ओरिजिन की। तो स्पेस पनिशर हल्क और द इनक्रेडिबल हल्क की ओरिजिन लगभग पूरी तरीके से सिमिलर है। जैसे दोनों यूनिवर्स के ब्रूस बैनर गामा रेडिएशन एक्सप्लोजन के कॉन्टैक्ट में आ गए थे, और इस इंसिडेंट की वजह से दोनों यूनिवर्स के ब्रूस बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गए। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस था, और वो ये कि प्लैनेट अर्थ 616 का जो ब्रूस बैनर था वो जब गुस्सा होता है तब वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन प्लैनेट अर्थ 12091 वाला जो ब्रूस बैनर था वो हल्क के अंदर कैद हो गया था। अब बात करते हैं स्पेस पनिशर हल्क के पावर्स की। तो स्पेस पनिशर हल्क के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, रीजेनरेटिव हीलिंग फैक्टर। स्पेस पनिशर हल्क ने अपने यूनिवर्स के फंटेस्टिक फोर को मार दिया था। स्पेस पनिशर हल्क के पास फोर आर्म्स है। स्पेस पनिशर हल्क ने सेबरटूथ को सिर्फ एक बाइट में ख़त्म कर दिया था, और स्पेस पनिशर हल्क ने 6 वॉचर्स को मार दिया था। बेसिकली वॉचर्स एक ओमनीपोटेंट गॉड होते हैं जो मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की। तो जब हल्क को पता चला कि उसकी फैमिली और प्लैनेट को इल्यूमिनेटी ने नहीं बल्कि अपने ही दोस्त बीक ने डिस्ट्रॉय किया है, तब हल्क के गुस्से की लिमिट पूरी तरीके से टूट गई, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गया। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के सिर्फ चलने पर ईस्टर्न कोस्ट डिस्ट्रॉय होने लगा था। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क सिर्फ अपने ब्लो से प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वर्ल्ड ब्रेकर हल्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को पावरफुल बना सकता है, और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि वर्ल्ड ब्रेकर हल्क ने वर्ल्ड ब्रेकर रेड शी हल्क के पंचेस को काउंटर किया है। और वर्ल्ड ब्रेकर शी हल्क इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि शी हल्क का सिर्फ एक पंच पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हल्क का कौन सा वाला वर्जन ज़्यादा पावरफुल है। तो बेसिकली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और स्पेस पनिशर हल्क अपने अपने यूनिवर्स के ओवरपावर्ड बीइंग में से एक है। एक तरफ वर्ल्ड ब्रेकर हल्क है जो अपने आप में इतनी पावर रखता है कि वो अकेले मार्वल के लगभग सारे सुपर हीरोज़ को बीट कर सकता है, और दूसरी तरफ स्पेस पनिशर हल्क है जिसने ओमनीपोटेंट बींग्स का काम तमाम कर दिया था, वो भी सिर्फ अपने फिजिकल स्ट्रेंथ से। लेकिन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो आज के सुपर बैटल का विनर स्पेस पनिशर हल्क बनेगा, क्योंकि स्पेस पनिशर हल्क स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल तो है ही, लेकिन स्पेस पनिशर हल्क की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसने ओमनीपोटेंट बींग्स को सोचने का टाइम ही नहीं दिया कि वो उन पर अटैक करने वाला है। और स्पेस पनिशर हल्क एक ऐसा बींग है जो गैलेक्टस के बाद अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल थ्रेट है। बेसिकली वर्ल्ड ब्रेकर हल्क और स्पेस पनिशर हल्क के पावर लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो कैरेक्टर गॉड लेवल बींग्स को बीट कर सकता है उसके लिए सुपर हीरोज और यूनिवर्सल बींग्स को बीट करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओवरऑल फीट्स को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि स्पेस पनिशर हल्क वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से ज़्यादा पावरफुल है। तो ये था स्पेस पनिशर हल्क और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क के बीच एक सुपर बैटल। लेकिन अगर आपको अपना ओपिनियन देना हो तो ऊपर आई बटन पर अपना वोट देने के बाद नीचे कमेंट ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।